हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट एंड आर्ट बाय सीमा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ग्लू गन से पेंटिंग। तो सबसे पहले तो हमने देखिएगा, पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने पेपर लिया और उस पर हमने ड्रॉ कर लिया। और इजीली आप थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ करें जिससे कि उसकी डिटेलिंग या वर्क करने में उसको हार्ड ना हो। अगर हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा डिटेलिंग आराम से हो जाएगी और छोटे में थोड़ी परेशानी होगी। और इस प्रकार हम देखिएगा, हमने ग्लू गन से धीरे धीरे फ्लावर्स पे हमने चलाने शुरू कर दी। सबसे पहले आप ग्लू गन गर्म कर लेना, फिर उसके बाद आप इसको ट्राई करना। देखिए जैसे मैंने ट्राई करा है, थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन हो जाएगा। आप करेंगे तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो थोड़ा सा लगेगा, वरना आप ट्राई करेंगे जैसे मैंने करा है आप उस हिसाब से करेंगे तो बहुत इजी होगा। आप धीरे 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 करिएगा थोड़े पेशेंस के साथ और फिर देखिए ये बन रहा है। आप भी इसी प्रकार से इसको बनाइएगा देखिए, और धीरे 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 इसकी आउटलाइनिंग पे आप वर्क करिएगा। बस मतलब ड्रॉ करने के बाद आपको फिर इतना हार्ड नहीं लगेगा। आप ग्लू गन से उसी हिसाब से इस पर चलाइए धीरे धीरे। देखिए इसकी पत्तियाँ बनाइएगा और फिर इसकी आउटलाइनिंग कीजिएगा धीरे, इसको करते रहिएगा धीरे 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 इसको बनाइएगा और फिर आप देखिएगा कितना सुंदर बनेगा। लेकिन आपको इसमें करने के लिए थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा आपको चाहिए कि आराम से करना है और जल्दबाजी नहीं करनी आप। और फिर नहीं तो ये कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मोटा निकलेगा और बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पतला निकलेगा। इसलिए आपको ग्लू गन को सेट करने के लिए आपको उसी हिसाब से वर्क करना है जिससे कि इसमें इक्वल ही ग्लू गन से निकले। आप फिर इसमें धीरे धीरे वर्क करिएगा, देखिएगा धीरे धीरे आउटलाइन करिए और फिर अब इसमें कलर भी करने हैं। आप लोग बताइएगा कौन से कलर करे जाएँ। और आप इसको कैनवास पे भी बना सकते हैं, मैंने तो ये पेपर पे बनाया है। और आप ब्लैक शीट, वाइट शीट, कलर्ड शीट किसी पे भी बना सकते हैं। आप किसी पे भी बनाएंगे हर चीज़ पे सुंदर लगेगा। और इसको बनाइएगा और फिर बताइएगा कलर। अच्छा आप लोग बताइएगा इसमें कौन से कलर करे जाएँ और मुझे कौन से कलर करने हैं और इसके सेकेंड पार्ट्स में मुझे कलर करने हैं, आप बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए और इस आगे भी मैं और अच्छी अच्छी वीडियो इसी प्रकार लाती रहूँगी। आप मुझे सपोर्ट करिएगा और देखिएगा इसी तरीके से और आगे फर्क आर्ट में आपको मिलेगा। और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट क्या बनाया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ बाय बाय और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।